अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की जानिब से कल खवातीन व तालिबात का एक एहतजाजी जलसा होने जा रहा है, जिसमें कुल जमाती तहरीक नांदेड़ ने शहर नांदेड़ में खवातीन को जलसे तक पहुंचाने के लिए कुछ इंतजाम किए हुए हैं। नांदेड़ शहर के नई सिटीज से बसों को शुरू किया गया है, जैसा कि एक नंबर बस खड़गपुरे से आएगी, दो नंबर दुलेशा रहमान से, तीन नंबर नयाबादी से, चार नंबर लालबाड़ी से, पाँच नंबर पीरबुरान नगर से, छः नंबर पीर नगर से, सात नंबर असरा नगर से, आठ नंबर फारूख नगर से और नौ नंबर नूरी चौक, दस नंबर से फेमस फंक्शन हॉल, ग्यारह नंबर मिल्लत नगर, बारह नंबर इकबाल नगर, तेरह नंबर इस्लामपुरा, चौदह नंबर वाजे गाँव, पंद्रह नंबर मुजाहिद पेट, सोलह नंबर गाड़ीपुरा, सत्रह नंबर सादत नगर, अठारह नंबर मिल्लत नगर। इस तरीके से बसों का इंतज़ाम किया गया है और हर जहाँ जहाँ ये पॉइंट आपको एरिया में सुनाए हुए हैं, जैसा खड़गपुरे में पॉइंट है सर सैयद मैदान, दुलेशा रहमान में महबूब खान फंक्शन हॉल, नयाबादी से मस्जिद आबिदीन महमूद खान फंक्शन हॉल, नयाबादी से मस्जिद आबिदीन, पीर नगर से गली नंबर दो और नीचे होटलों के पास से एक बस चालू रहेगी, असरा नगर में अलरिजवान स्कूल से होती हुई असरा नगर होती हुई चैतन्य नगर के रूट से बस आएगी, फारूख नगर में सलीम किराना के पास से बस निकलेगी, नूरी चौक फेमस फंक्शन हॉल में फेमस फंक्शन हॉल के पास से एक बस निकलेगी और मिल्लत नगर में दादा चौक से एक बस निकलेगी, इकबाल नगर की बस खुदवाई नगर से निकलेगी, इस्लामपुरे की बस होटलों के पास से निकलेगी, वाजेगाँव की बस मौलाना आज़ाद चौक से निकलेगी, मुजाहिद पेट की कमान के पास से बस निकलेगी और गाड़ीपुरे की छोटी दरगाह से बस निकलेगी। इस तरीके से हम लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है और जिम्मेदारान वहाँ के बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह वो अपने अपने एरिया के मसाजिद में ऐलान करेंगे। इसके अलावा ये बसें उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, और दूसरी बात जिन लोगों के पास अपने घरों में गाड़ियाँ हैं और वो साहिब इस्तेताअत है तो वो अपने गाड़ियाँ करके भी वहाँ पर आ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो आने के लिए तकलीफदार, जिनको रास्ता हो सकता है उन लोगों के लिए जितना हो सकता। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ ने ये इंतज़ाम करने की कोशिश की है। कितने बजे से बसेस निकलेंगी? इंशाल्लाह बसेस वहाँ पॉइंट पर 12 बजे लग जाएंगी और 12 बजे से शुरू हो जाएगा बसेस निकलना। वापसी का इंतज़ाम जैसे ही जलसा ख़त्म होता है उसकी फौरी बाद से बसेस निकलना चालू होंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर एक एक ही ट्रिप, कुल हिंद जमाती तहरीक के जितने बसेस हैं वो एक एक ही ट्रिप करने वाले हैं, इस लिहाजा निकलते वक्त भी परेशानी ना हो इसका लिहाज रखा गया है।